हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसा कि आप लोग आपके सामने देख सकते हैं, एक और कैंडल रिव्यू है। ये है एस्प्रेसो कॉफ़ी फ्रॉम एकम। दिस इज़ प्रीमियम सेंटेड सोयावैक्स कैंडल। इसका वेट 256 ग्राम्स है और ये मैंने काफ़ी हद तक जला ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ तक जला ली है, हाफ वे थ्रू है। और जो पीछे आप ये कैंडल देख रहे हैं, दिस वन इज़ कॉल्ड चॉकलेट पेपरमिंट, जो मैं रिव्यू कर चुकी हूँ बाय द वे कैंडल अपने चैनल पर, वो ख़त्म हो गई है। तो एनीवे, आज इस कैंडल की बात करते हैं कि ये कैंडल कैसी है। एंड ऑनेस्टली, ये पहला कैंडल रिव्यू है जो मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ इस कैंडल को रिव्यू करने के लिए, लेकिन द रीज़न आई एम रिव्यूइंग दिस कैंडल फॉर यू ऑल इज़ बिकॉज अगर आप लोग ये कैंडल ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो होल्ड ऑन, मे बी आई कैन सेव यू योर मनी। तो इससे पहले कि हम डीप डाइव करें कि ये कैंडल मुझे क्यों पसंद नहीं आई, वाई दिस हैज़ डिसअपॉइंटेड मी, लेट्स जस्ट गो थ्रू द नोट्स ऑफ दिस कैंडल सो दैट यू नो आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये कैंडल है क्या। तो इस कैंडल के हार्ट नोट्स हैं कैरमेलिक, वेनिला, ब्राउन कॉफ़ी, और बेस नोट्स हैं बाल्समिक एंड वुडी। आप इन नोट्स से कुछ पता लगा पाए कि ये कैंडल एक्चुअली क्या है? क्योंकि ऑनेस्टली मैं नहीं पता लगा पाई कि ये कैंडल क्या है। आई मीन कैरमेलिक, वेनिला, डार्क कॉफ़ी या ब्राउन कॉफ़ी, जिसे ये लोग एक्सप्रेसो बोलते हैं। नाउ यू गाइज नो दैट आई लव पैरिस कैफे फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स। आई मीन एवरी टाइम देर इज़ अ कॉफ़ी फ्रेगरेंस यू मैंशन ऑन माई चैनल, आई हैव टू मैंशन दैट कैंडल बिकॉज दैट इज़ माई ओजी कैंडल। और उसमें जो कैंडल जो कॉफ़ी फ्रेगरेंस है वो एस्प्रेसो कॉफ़ी यूज़ की हुई है, रोस्टेड एस्प्रेसो बीन्स। इसमें नाम एस्प्रेसो दिया है लेकिन इन्होंने ब्राउन कॉफ़ी यूज़ की। नाउ दैट ब्राउन कॉफ़ी कुड बी एनीथिंग रियली, इट कुड बी एस्प्रेसो, इट कुड बी अ मोका, इट कुड बी जस्ट एनीथिंग, इट कुड यू नो इट्स ब्राउन कॉफ़ी एज सच कोई, मतलब जितना के मेरी नॉलेज है, ब्राउन कॉफ़ी नीड नॉट नेसेसरली बी एन एस्प्रेसो। और एस्प्रेसो की जो फ्रेगरेंस है ना वो बहुत अच्छी, और इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी फ्रेगरेंसेस। लेकिन जो बाकी कॉफ़ी फ्रेगरेंसेस हैं वो थोड़ी माइल्ड, थोड़ी अलग, ऐसी वैसी हो जाती है। तो इस कैंडल की प्रॉब्लम यही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाफ वे थ्रू जला लिए मैंने ये, जो है मैंने अभी जस्ट जलाई है वीडियो पर्पसेस के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं हाफ वे थ्रू ये कैंडल जल चुकी है। तो इसकी फ्रेगरेंस पे ही डायरेक्टली आ जाते हैं ना। दिस फ्रेगरेंस ऑनेस्टली, आपके घर में दूध उबलता ही होगा, दूध में अगर आप उबले दूध में या गर्म दूध में अगर आप शक्कर डाल लो और उसका फ्रेगरेंस लो, तो वो क्या फ्रेगरेंस आएगी? बस मोटा मोटी वही एक फ्रेगरेंस आती है इस कैंडल से, एंड दैट्स अबाउट इट। इट डज नॉट स्मेल लाइक कॉफ़ी एट ऑल। इट जस्ट टू मी इट जस्ट स्मेल्स लाइक हॉट मिल्क विद सम शुगर इन इट, विच इज़ एसेंशियली द स्वीटनेस ऑफ द वेनिला दैट आई गेट। कैरमेलिक, जो कैरमल फ्लेवर है वो बेसिकली फॉर मी इट जस्ट इज़ ट्रांसलेटिंग इन टू अ मिल्की फ्लेवर। एंड जो वेनिला फ्लेवर है, फ्रेगरेंस है, वो एक स्वीट नोट जो आता है वो आता है। और कॉफ़ी की अगर मैं बात करूँ, जो ब्राउन कॉफ़ी है, ब्राउन कॉफ़ी मतलब यू, अगर आप में से कई लोग होंगे जो बहुत माइल्ड कॉफ़ी पीते होंगे, लाइक बस नाम की कॉफ़ी पाउडर डाली एंड यू नो दैट्स योर कॉफ़ी फॉर यू। अगर उस टाइप की फ्रेगरेंस आपको पसंद है तो आपको डेफिनेटली ये अच्छी लगेगी, क्योंकि दैट्स इट, वही वो फ्रेगरेंस है। मुझे कॉफ़ी की भी उतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग तो छोड़ दो, लेकिन कॉफ़ी की भी उतनी वैसी नहीं आती है फ्रेगरेंस के मैं इसको आँख बंद करके बता सकूँ ये तो कोई कॉफ़ी कैंडल जल रही है। नो, ऑल आई स्मेल इज़ मिल्क एंड शुगर। एंड जो इसके बल्ब्स में का वुडी नोट्स हैं, आई डोंट नो व्हाट आर दे डूइंग इन दिस कैंडल, बट फॉर सम रीज़न दे हैव इट हियर, बट आई डोंट गेट एनी ऑफ दोज, लाइक आई डोंट नो what those notes are doing because they are non-existent to me, for me. तो यही नटशेल है बेसिकली इस कैंडल का। इस कैंडल को जलाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता इन ऑल ऑनेस्टी। ये मुझे इतनी डिसअपॉइंटिंग लगी ये कैंडल। आई वॉज सो थ्रिल्ड बिकॉज जैसा आप देख सकते हैं वो पीछे चॉकलेट पेपरमेंट कैंडल जो ख़त्म हो गई है, उसके मैंने पीसेस कर रखे हैं, वो पीसेस मैं इसमें डालती हूँ। मुझे वो कैंडल इतनी अच्छी लगी ना ये वाली, दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट गोरमे कैंडल्स, चॉकलेट गोरमे, बिकॉज इट स्मेल्स लाइक चॉकलेट, इट स्मेल्स लाइक पेपरमिंट, इट जस्ट इट्स वेरी यमी एंड डिलिशियस। आप मेरा रिव्यू चेकआउट कर सकते हो उस कैंडल का। तो मुझे लगा कि यार वो इतनी अच्छी, दे हैव नेल्ड दैट फ्रेगरेंस, तो ये भी मतलब ठीक है, मे बी नॉट एज गुड एज पैरिस कैफ़े, बट आस पास भी होगी तो चल जाएगी। बट ये दूर दूर तक, मतलब पैरिस कैफ़े तो छोड़ दो, ये दूर दूर तक मुझे कॉफ़ी फ्रेगरेंस नहीं देती है। और मैं इसे अब फ़िलहाल सिर्फ जला रही हूँ क्योंकि मैंने ख़रीदी है, मुझे जलानी है, आई कांट जस्ट थ्रो इट अवे।
और उसमें मैं ये चॉकलेट पेपरमेंट के पीसेस डालती हूँ। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है ना, ये थोड़ा सा आप डिफरेंस देख भी सकते होंगे वैक्स का। तो बस इसीलिए ये कैंडल बस अब यूज़ हो रही है समहाउ। और आप देख सकते हैं विक्स बहुत ही लो फ्लेम है, और जब ये पूरा पुल आउट हो जाता है, आप देख सकते हैं वैक्स एक्यूमुलेशन साइड में कहीं नहीं है, इट्स ऑल क्लियर। सो द पुलिंग इज़ नॉट एन इशू विद दिस कैंडल एट ऑल। लेकिन इसके विक्स इतने छोटे हैं ना, फ्लेम्स इतने छोटे हैं कि बहुत टाइम लगता है एक तो, और जब अगर मैं उसमें उसके पीसेस इसमें डाल दूं तो एक आध फ्लेम बुझ भी जाती है। तो मैं जो बहुत सावधानी से इसको और थोड़ा जला के जब ये फ्लेम्स थोड़ी और ऊपर हो जाएंगी तब मुझे उसके पीसेस डालने होंगे। तो मैंने ऐसे करके थोड़े थोड़े डाले हैं क्योंकि मुझे वो कैंडल बहुत पसंद है और मुझे वो वेस्ट नहीं करनी बिल्कुल, और ये मुझे उतनी ही नापसंद है और लेकिन मुझे इसे जलानी है। तो दैट्स हाउ आई एम यूजिंग दिस। दिस कैंडल हैज़ अ माइल्डिश थ्रो, लेकिन इतना भी माइल्ड नहीं है कि आपको नहीं पता चलेगा। ये थ्रो ऐसा है कि जैसे आप रूम में घुसेंगे, और छोटा रूम है या बड़ा भी रूम है, मतलब मीडियम साइज रूम है, तो भी आपको दूध की सी फ्रेग्रेंस तो आएगी आएगी। मतलब आपको लगेगा कि हाँ कुछ दूध और चीनी मिला के कुछ जल रहा है, या वो फ्रेग्रेंस आएगी, मिल्की लाइक कैरमेली वेनिला फ्रेग्रेंस with a splash of coffee in it, that's all, just a splash of coffee, nothing else. तो ऐसा है भैया कि अगर आपको ये फ्रेगरेंस, इस लेवल की फ्रेगरेंस, इस टाइप की फ्रेगरेंस पसंद है तो ये खरीद सकते हैं, वरना आप अपने 700-800 रुपये भी बचा लो। एंड मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप पेरिस कैफ़े खरीदो, वो बहुत महंगी कैंडल है, आई अग्री, लेकिन उसको जब आप जलाएंगे तो इतनी अच्छी कॉफ़ी फ्रेगरेंस आएगी कि आप लिटरली दीवाने हो जाएंगे उस कैंडल के। आई एम नॉट प्रमोटिंग बाथ एंड बॉडी वर्क्स हियर ऑन एकम रिव्यू, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आई ऑलवेज से द ट्रूथ, एंड द ट्रूथ इज दैट ओनली दैट कैंडल इज फार बेटर एंड हैंड्स डाउन द बेस्ट कॉफी फ्रेगरेंस इन कैंडल्स। बाकी इसका थ्रो, इसका पूलिंग, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जार भी अच्छा है और देखने में भी एस्थेटिक जैसे वो रखी हुई है। अब आप देख सकते हैं काफ़ी एस्थेटिक लुकिंग कैंडल है, तो ऐसे भी ये अच्छी ही लगती है। लेकिन अगर मैं इसके, मैंने जिस पर्पज़ के लिए ली थी, तो ये तो डिफ़ीट हो गया। सो फॉर मी दिस इज़ अ टोटल डड। आई विल जस्ट यूज़ इट अप एंड नेवर बाय इट अगेन टिल दे रीवर्क ऑन द फॉर्मूला ऑफ दिस वन। तो दैट्स द रिव्यू फॉर एस्प्रेसो कॉफ़ी। आई वुड नॉट एडवाइज यू टू गेट इट। आई वुड डेफिनेटली गिव चॉकलेट पेपरमेंट मोर मार्क्स दैन एस्प्रेसो कॉफ़ी। दैट इज़ अ मच बेटर कैंडल। और अब हॉलीडे सीजन भी आ रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली वर्थ कंसिडर बाइंग दैट कैंडल। दिस इज़ द बेस्ट कैंडल, गोरमे कैंडल। और मैं आपको इसका दिखा भी देती हूँ, सॉरी फॉर द लिड, यही होता है जब लिड्स गंदी होती हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके ऑलरेडी पीसेस कर रखे हैं, तो ये पीसेस जो हैं मैं थोड़े थोड़े करके इसमें डाल देती हूँ। लेकिन अभी जैसे ये पीस बड़ा है तो मुझे इसको या तो छोटा करना पड़ेगा तभी ये इसमें जाएगा। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग और अच्छी है कि इसका छोटा पीस भी इसमें जाने के बाद ना वो फ्रेगरेंस आती है थोड़ी थोड़ी इसकी। तो आई एम लविंग दैट, आई एम एक्चुअली बेसिकली एंजॉइंग दिस। अभी भी मैंने जब लिड खोला है तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना मुझे पेपरमिंट और चॉकलेट की, मोस्टली पेपरमिंट की, दैट आई कांट एक्सप्रेस इट। दिस वन इज़ रियली गुड, सो आई हाईली रिकमेंड यू गेट द चॉकलेट पेपरमिंट कैंडल इंस्टेड ऑफ एस्प्रेसो कॉफ़ी। सो दैट्स अबाउट दिस रिव्यू यू गाइज। मेरा कैंडल ऑफ फ्रेगरेंसेज प्ले लिस्ट है, आई विल लिंक इट डाउन बिलो, यू कैन चेक इट आउट फॉर मोर कैंडल्स एंड फ्रेगरेंसेज दैट आई हैव रिव्यूड। Thank you so much for watching this video, and I'll talk to you all soon. Bye-bye.